एक समूह है जो राजनीतिक बदलाव करने के लिए संघर्ष कर रही है। मैं चाहूंगा कि जो है रोड पे खड़े होकर के और जाम ना लगाए, और जो भी हमारे वॉलंटियर्स है कृपया इस बात का ध्यान रखें कि रोड पे जाम ना लगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जब आम आदमी जग गया, उसके बाद से आज भ्रष्ट राजनीतिक दलों को ये बात समझ में आ गया है कि आम आदमी अब उनके हथकंडों के बीच नहीं आने वाला है। चाहे वो जितनी कोशिश कर ले, आम आदमी का वोट अब वो खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि आम आदमी अपने वोट की ताकत को समझ चुका है। साथियों, विधानसभा चुनाव से पहले ये सभी लोगों के लिए बिल्कुल असंभव सा लगता था कि आम आदमी पार्टी 28 सीटों के ऊपर जीत करके चली आएगी, लेकिन फिर भी 28 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीत करके आई है। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये आम व्यक्ति की जीत है, हमारी और आपकी जीत है। ये आप जीते हैं और आपकी सरकार बनी है, आप निर्णय लेने वाले हैं, आपके द्वारा काम होने वाला है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा साथियों कि लोकसभा का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं लोकसभा के अंतर्गत बड़े अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग पार्टियां वहां पे प्रतिनिधित्व करती है, सबके अलग अलग एजेंडे हैं। लेकिन लोकसभा एक ऐसा जगह बन गया है जहां भ्रष्टाचारी अपराधी जाकर के बैठ गया है। जब जल लोकपाल जैसा बिल लाया जाता है, जिस वक्त आम आदमी को जरूरत होती है उस बिल की, उस वक्त उस बिल को फार करके फेंक दिया जाता है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है और चुनाव में हमें कुछ फायदा मिल जाएगा, तो ये सभी पार्टियां इकट्ठी हो जाती है और उस बिल को पास जैसे तैसे पास करवा लेती है। उसमें ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है कि क्या उस बिल के अमल में आने के बाद से भ्रष्टाचार मिटेगा या नहीं मिटेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल अभी भी राजनीतिक दल जो है वो केवल यही सोच रहे हैं कि वोटों को खरीद करके सत्ता पे काबिज रहेंगे और